अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। अब हम ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम कराची टू इस्तांबुल। यस, कराची टू टर्की हम ट्रैवल कर रहे हैं और हम अब प्लेन में बैठ चुके हैं और ये हैं प्लेन के कुछ हालात। सो मैंने सोचा कि आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, क्योंकि आई वॉज़ ट्रैवलिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अलोन। तो वैसे कुछ ज़्यादा बड़ी बात तो है नहीं, बट मेरे लिए थी क्योंकि मैं पहली दफ़ा अकेले ट्रैवल कर रही थी। और हमने टेक ऑफ कर लिया है और हम जा रहे थे विथ इत्तेहाद एयरवेज़। सो ये हमारा एक्सपीरियंस था और हमारी फ़्लाइट थी रात के 4 बजे की और हम एयरपोर्ट पहुंच गए थे 12 बजे, क्योंकि कराची के हालात का कुछ पता होता नहीं है। तो हमने सोचा कि जल्दी निकलते हैं। ये हैं कराची की लाइट्स और अब हमने खुदा हाफिज़ कह दिया है कराची को और हम निकल गए हैं अपने सफ़र पे। थोड़ी देर के बाद ही इन्होंने हमें ये सर्व किया, क्योंकि हमारी यहाँ से स्टॉप ओवर था अबू धाबी में। तो ये स्नैक्स सर्व किए जाते हैं जिसमें एक रोल होता है, एक वेजिटेबल रोल होता है आई थिंक, एंड एक चिकन रोल होता है, एक मिठाई एंड जूस, और उसके बाद कॉफ़ी या टी, वॉट एवर यू लाइक। तो ये स्नैक हमें सर्व किए जाते हैं और फ़्लाइट होती है हमारी तकरीबन 2.5 आवर्स की। ये आपको नज़र आ रही हैं लाइट्स दुबई की, बहुत ही ऑर्गेनाइज लाइट हैं। जैसे कि आपने देखा कराची की बिल्कुल ही ऑर्गेनाइज नहीं थी, तो ये बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज नज़र आ रहा है कि ऑब्वियसली कराची नहीं हो सकता। तो अब हमें अबू धाबी में हमारा स्टॉप है तकरीबन 4 आवर्स का। उसके बाद हम निकलेंगे अपने सफ़र के लिए, जो कि हमारी ट्रैवलिंग आवर होगा तकरीबन 5 आवर्स का, फ्रॉम अबू धाबी टू इस्तांबुल। अकेले ट्रैवल करने में फ़र्स्ट टाइम थोड़ा सा बंदा परेशान तो होता है, बट इट वाज नॉट दैट मच स्केरी एज आई वाज थिंकिंग। तो मुझे कोई इतने ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं। अब हम लैंड करने वाले हैं और यहाँ पर हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी रात हो रही है, लेकिन हमारी जो नेक्स्ट फ़्लाइट है वो है सुबह की। अब हमारा प्लेन जो है वो जस्ट लैंड हो चुका है और अब हम जाएंगे अपने टर्मिनल की तरफ। वहाँ हम वेट करेंगे और सुबह की रोशनी नज़र आना शुरू हो गई है। हम अपने जा रहे हैं टर्मिनल की तरफ और इस दफ़ा जो हमारा टर्मिनल था वो था टर्मिनल 3, एंड इट वाज ब्यूटीफुल और काफ़ी ये बहुत ही ज़्यादा इसकी रिलैक्सिंग चेयर्स थी, आप सो भी सकते हैं और आराम से काफ़ी देर तक इस पर बैठ के आराम कर सकते हैं। यहाँ मेरी बेटी यूज़ कर रही है टैबलेट और हम वेट कर रहे हैं कि अब कब हमारा टाइम होगा और कब हम टेक ऑफ करेंगे। और जी, हमारा टाइम हो चुका है और हम अब हम जा रहे हैं प्लेन के अंदर अपना सामान लेके। और ये है हमारा इस्तांबुल, ब्यूटीफुल इस्तांबुल। सो जी, प्लेन रनवे पे आ गया है एंड वी आर अबाउट टू फ्लाई। ये है हमारे प्लेन के अंदर के हाल, शुक्र है यहाँ पे स्क्रीन थी, क्योंकि जब हम इस्तांबुल से कराची आ रहे थे तो जो हमारी 5 आवर्स की फ़्लाइट थी उसमें स्क्रीन नहीं थी, जो कि बहुत ही अजीब सी हमारी कैफियत थी कि यार ये क्या है, स्क्रीन नहीं है। बट इसमें स्क्रीन थी, सो वी कैन एंजॉय आर टाइम विद आर मील एंड मूवीज़ एज वेल। एंड जी, हमारा मील भी आ चुका है। ये हमारा मील था और हमने ऑर्डर किया था कुछ चिकन एंड दिस इज़ कॉफ़ी
वेदर जो है वो इस्तांबुल में जो है वो एक्सपेक्टेड किया जा रहा था जब मैंने ट्रैवल किया था, तो सर्दी थी वहाँ पर और ये क्लाउड्स हैं और हमारा प्लेन जो है दिस इज़ अबाउट टू रीच इस्तांबुल। ये आपको ऊपर से नज़र आ रहा है खूबसूरत सा टर्की। एंड वी आर जस्ट लैंडिंग। काफ़ी स्मूथ लैंडिंग थी लेकिन बस इत्तेहाद में मुझे जो एक प्रॉब्लम लगी हुई है कि कुछ इनके प्लेन्स में स्क्रीन्स हैं, कुछ इनके प्लेन्स में स्क्रीन्स नहीं हैं, और अगर आपकी लॉन्ग फ्लाइट होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा अजीब सा आप बोर बोर से होते हैं कि यार बंदा क्या करे। तो ये एक प्रॉब्लम है इत्तेहाद एयरवेज़ में। प्लेन लैंडिंग की तरफ है और हमने अपनी मूवीज़ वगैरह स्टॉप कर दी एंड वी आर अबाउट टू येस वी रीच्ड इस्तांबुल। अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ सेफ जर्नी। अकेले ट्रैवल करना फ़र्स्ट टाइम थोड़ा सा स्केरी था बट इतना स्केरी नहीं था जितना मैंने उसको सोच सोच के लग रहा था कि स्केरी है। इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड इफ़ यू वांट यू कैन डू एवरीथिंग अलोन, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ये खूबसूरत सा एयरपोर्ट है इस्तांबुल का और जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे बारिश शुरू हो गई थी और बहुत ही खूबसूरत मौसम था। मैंने जिस वक्त मैं यहाँ पर आई तो उस वक्त मन चल रहा था सितंबर, एंड सितंबर जो है वो ज़्यादा गर्म भी नहीं होता, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता और बहुत ही अच्छा मौसम होता है। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं इस मंथ में तो आप ज़रूर कर सकते हैं। अब हम जा रहे हैं अपना लगेज कलेक्ट करने के लिए और ये इस्तांबुल एयरपोर्ट है और मास्क जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं एयरपोर्ट्स में, चाहे वो अबू धाबी एयरपोर्ट हो, चाहे वो टर्की एयरपोर्ट हो, चाहे वो इस्तांबुल एयरपोर्ट हो। और वहाँ से हमने ली हवावे बस जो कि हमें ड्रॉप करेगी अपनी डेस्टिनेशन पे और वहाँ से हम लेंगे टैक्सी। और हवावे बस पूरे इस्तांबुल में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है जो लोग भी एयरपोर्ट से आते हैं। सो जी हम हैं अपने घर की तरफ। अब हम अब जाएंगे अपने घर, रेस्ट करेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह इन नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।